ओके, ग्रेविटेशन। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी का फॉर्मूला क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पहला फॉर्मूला। ग्रेविटेशन की फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, ये रूल याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर भी रिपल्सिव होती है, ये अट्रैक्टिव ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला नोट करें, जी प्लैनेट का मास बाय प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जहां जहां क्वेश्चन में कैपिटल जी एम की वैल्यू निकालनी होती है, वहां स्मॉल जी आर स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड में क्या है कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ है तो वहां जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर। और अगर आपकी बॉडी एच डिस्टेंस ऊपर है तो स्मॉल जी का फॉर्मूला जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नोट करें, जी डैश और जी का ये फॉर्मूला नोट करें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो जी डैश का फॉर्मूला ऐसे, तो अगर एच हाइट क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये आंसर निकालना है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला, चाहे छोटी हाइट है चाहे बहुत बड़ी हाइट है, ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। पर अगर हाइट बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू रेडियस, एच की वैल्यू काफ़ी छोटी है एज कम्पेयर टू आर, तो बाइनोमियल लगा के सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकालते हैं। ये फॉर्मूला लिखें, जी डैश इज जी इंटू 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला लिखें, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तब कब निकालनी है? जब हाइट बहुत छोटी है, 200, 300, 400 किलोमीटर। अगर हाइट बहुत बड़ी है, ये फॉर्मूला मत लगाना, फिर यही फॉर्मूला लगाना, तभी सही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ ये फॉर्मूला नोट करें, जी डैश इज जी 1 - x/r। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, जितना मर्जी नीचे चले जाएं तो ये फॉर्मूला गलत नहीं होता। जब भी आप अर्थ के अंदर काम करें, अर्थ के अंदर चले गए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, वहां पर मास ऑफ अर्थ को पुट करें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी को इन्वॉल्व जरूर करें, क्योंकि जब आप काम करते हैं किसमें, जब आप काम करते हैं अर्थ के अंदर, तो वहां डेंसिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल। ये जो मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ने कितना एंगल बनाया पी के साथ, ये जो एंगल है उसको लैम्डा बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड क्या है? 0। और पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड क्या है? 90। 0 और 90। और लैटिट्यूड हर पॉइंट पर डिफरेंट है। तो लैटिट्यूड के साथ ये फॉर्मूला नोट करें, जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां तक क्लियर है? अब जैसे इक्वेटर के ऊपर अगर जी निकालना, तो लैम्डा को 0 पुट करें तो आंसर ये आएगा। पोल्स के ऊपर निकालना है तो 90 पुट करें, आंसर जी आएगा। तो पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड 90 है और इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड 0 है। नेक्स्ट है, एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो 400 किलोमीटर पे ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आर के मुकाबले एच बहुत छोटा है, तो आंसर आ जाएगा डन। पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाते तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेट सेम ही आता। पर अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि हाइट निकालो सच दैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफ़ी चेंज हो गई, 64% हो गई, अब 64% काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो आप शॉर्टकट ये वाला मत लगाना। अब आप यही लगाना, इसमें जी डैश को पुट करना 64% ऑफ जी और हाइट की वैल्यू निकालना। राइट, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, बॉडी का वेट सरफेस के ऊपर 250 है, आपको कहाँ निकालना है? डेप्थ आर बाई टू पे निकालना है। तो डेप्थ का फॉर्मूला लिखें, मास से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें, वेट ऑफ द बॉडी 250 है, डेप्थ आर बाई टू है, तो नया वेट कैन बी कैलकुलेट 125 आ जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है, आपको इसमें मान लो अर्थ और मान लो मून गिवन है और डिस्टेंस इनके बीच में गिवन है, आपको एक पॉइंट ढूंढना है, एक पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट फोर्स इन मासेस का 0 है। अब नेट फोर्स 0 कब होगी? जब ये अर्थ मान लो x दूरी पे, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये कितने r माइनस x है, तो अर्थ इस मास को अट्रैक्ट करेगी, मून इस मास को अट्रैक्ट करेगा, और अगर लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स 0 मास से x कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट वाली सेम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, अगर मास m है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है ताकि r डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम हो,
तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मान लो आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक छोटा m, एक m माइनस m, तो ये फोर्स की वैल्यू है। इसको अगर मैक्सिमम करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो, आंसर क्या आएगा, हाफ। तो याद रखना दोनों की मास की रेशियो हाफ आएगी अगर आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए। जैसे अगर 10 केजी का मास है आप 5-5 केजी में तोड़ेंगे, 20 केजी का मास है आप 10-10 केजी में तोड़ेंगे, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो दो मासेस हैं, दो मासेस आर डिस्टेंस आर रेडियस में घूम रहे हैं सर्कल में, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की फोर्स क्या है, जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, जी एम एम बाय टू आर स्क्वायर। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर टू आर नहीं, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि रेडियस क्या है सर्कल का, आर। ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, जैसे मान लो आपके पास अर्थ है और दो मासेज हैं, मासेज दोनों में सेम है एम एंड एम, लेकिन इनमें वेट का फर्क है। वेट का इसलिए फर्क है क्योंकि एक की हाइट सरफेस से एच वन है और एक की हाइट सरफेस से एच टू है। डिफरेंस ऑफ हाइट एच वन और एच टू, इनमें क्वेश्चन में गिवन है एच है, तो आपको वेट का डिफरेंस निकालना है। तो वेट का डिफरेंस क्या होगा, मास सेम है, वेट इसलिए फर्क है क्योंकि जी डिफरेंट है। तो यहां पर वेट क्या है, एम जी टू, और यहां पर क्या है, एम जी वन। जी टू की वैल्यू पुट की हाइट के साथ चेंज हो रही है, जी वन की वैल्यू पुट की, ओपन किया, सॉल्व किया, एच वन माइनस एच टू एच पुट किया। ऐसा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, स्मॉल जी को पुट किया कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसा भी नहीं मिलेगा, डेंसिटी की फॉर्म में मिलेगा। तो मास ऑफ अर्थ से वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ से आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अगर एक मास कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बताया था, तो क्या होगा, एम जहां वी मिनिमम है वहां आर मैक्स है, और जहां पर वी मैक्स है वहां आर मिनिमम है। अगर ये नहीं लगाना तो ये भी लग सकता है, आई वन ओमेगा माइनस आई टू ओमेगा टू, तो क्योंकि अर्थ इज अ पॉइंट मास सन के सामने, तो m इंटू आर मैक्स स्क्वायर, जहां r मैक्स है वहां ओमेगा मिनिमम है, जहां r मिनिमम है वहां ओमेगा मैक्स है, सॉल्व करके ओमेगा मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है ओमेगा बताओ, जब इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो इक्वेटर के ऊपर g की वैल्यू लिखो, लैम्डा को इक्वेटर के लिए जीरो पुट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो पुट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करके ओमेगा निकाल लो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को करने के लिए ये डायग्राम मोर देन सफिशिएंट है, सारा चैप्टर एक ही डायग्राम से ठीक हो जाएगा, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। चार चीज़ें इकट्ठी चलती हैं पैरेलल, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेम डायग्राम बना हुआ है, चेक कर लो। तो फोर्स क्या है, इनके बीच में जी एम एम बाई आर स्क्वायर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, जहां इंटेंसिटी निकालनी है वहां चार्ज प्लस वन, वहां मास भी प्लस वन, यूनिट मास पुट करना है। तो मास आपने वन पुट किया, तो ये मास इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की वैल्यू जी एम बाई आर का स्क्वायर, तो ई का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर, और पोटेंशियल अगर आपको यहाँ निकालना है तो यहाँ मास जो भी है वो नहीं लेना, आपने वन मास ले लेना है। तो ये प्लैनेट कितना पोटेंशियल लगाएगा यहाँ पे, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। ये चार फॉर्मूला नोट कर लें, इसके अंदर दोनों मासेज आते हैं, प्लैनेट का भी, पॉइंट मास का भी, प्लैनेट का मास है, दोनों मासेज हैं और सिर्फ प्लैनेट का मास है। तो ये फॉर्मूलाज को लिख लें या नोट कर लें।
तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है कि चार फॉर्मूलास के बाद किसी भी पॉइंट पर ये नोट करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी प्लैनेट है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, सरफेस और इसका मास एम है, और प्लैनेट का मास एम है, ऑब्जेक्ट का एम है, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर है। लेकिन अगर आप अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर है। और अगर आपको ये गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ आर है और ये हाइट के एच है, तो मास एम कैपिटल एम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच है। तो नोट करना, नोट कर लें हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कैसे यूज करनी है एनर्जी, क्लियर है? जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन होगा कि आपने एक बॉडी को लिया और बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000, तो ये बताओ बॉडी कितनी हाइट अटेन करेगी। तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम करना है, काइनेमेटिक्स मत लगाना कि स्मॉल जी चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल सरफेस पे क्या है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और काइनेटिक के हाफ एम इंटू 1000 का स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या है जीरो और पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। इन इक्वेट करके एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। जहां जहां न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और कैपिटल जी एम इन्वॉल्व होगा वहां पर आपने उसको किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल जी आर स्क्वायर से रिप्लेस करके आंसर निकालना है। ठीक, जैसे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को एच ऊपर ले गए, क्वेश्चन आएगा फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम एम बाई आर, एच डिस्टेंस पे क्या है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, चेंज क्या है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करके आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें, पोटेंशियल ये सब कर ली डेफिनेशन हमने। नेक्स्ट है, अगर मान लो तीन मासेज हैं और आपको कहा जाता है कि इस मास के ऊपर नेट फोर्स निकाल लें, तो ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है और ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस। अगर नेट फोर्स m2 पे निकालनी है, सारे वेक्टर m2 पे बनाने हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे, तो m3 ने m2 को अट्रैक्ट किया, m1 ने m2 को अट्रैक्ट किया, तो इन दोनों का वेक्टर सम इज द नेट फोर्स। अगर मुझे फोर्स की बजाय e निकालना है, m1 m2 m3 है, मेरे को यहां पे e निकालना है, जहां e निकालना है वहां कितना भी मास पड़ा हुआ है नहीं लेना, वहां पर 1 ले लेना है, तो आपने यहां 1 लेना है, M1 1 को अट्रैक्ट करेगा, M2 1 को अट्रैक्ट करेगा, तो E का फॉर्मूला लगाना है GM2 by R square, GM1 by R square, बड़े E में से छोटे E को माइनस कर देना आंसर। ठीक, जैसे अगर आपको E यहां पे निकालना है, M1 M2 M3 masses हैं, आपको E यहां पे निकालना है, जहां E निकालना है वहां मास प्लस 1, ये M3 1 को अट्रैक्ट करेगा, M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे नेट आंसर। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मान लो दो मासेज हैं 10 मीटर दूर हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर आंसर। लेकिन अगर दो की जगह तीन मासेज हैं, एम वन एम टू एंड एम थ्री, अपने पेयर लेनी है एनर्जीज के, तो पहली एनर्जी क्या है, माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन प्लस माइनस जी एम थ्री एम टू बाई आर टू प्लस माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन प्लस आर टू आंसर। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करते थे चार्जेस को लेके। और अगर ट्राइंगल बना हुआ है तो एक एनर्जी यहाँ की, एक यहाँ की और एक यहाँ की ऐड कर दो, और अगर ऐसे है तो कितनी एनर्जीज आएंगी, एक दो तीन चार पांच और छह एनर्जीज का सम आ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल, यहाँ पर चार्ज नहीं, यहाँ पर मास इंटू पोटेंशियल, जो काम उसमें चार्ज करता है वो काम इसमें पॉइंट मास करता है, तो क्यू वी की जगह एम वी, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट है, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, रिजल्ट एप्लीकेबल है इसमें, जैसे उसमें एप्लीकेबल है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वी देगा, मान लो एक्स की फॉर्म में आपको ई पूछ रहा है, तो ई वेक्टर क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्स है तो आई कैप लगा देना, वी की वैल्यू को पुट करना, डिफ्रेंशिएट करना, आंसर आएगा। आपको वी गिवन है वाई की फॉर्म में, आपको ई पूछ रहे,
तो डी वी बाई डी वाई लगाना, वाई वी को वैल्यू पुट करना, डिफ्रेंशिएट करना, आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको वी एक्स वाई जेड में दे रहा है तो फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव लगाना, आंसर निकालना। सेम क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, मैंने सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी डाला है और सेम मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डाला है, कोई फर्क नहीं, उठा के देख लो, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, सेम ही तो चल रहा है, सही है, याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स ना, ठीक है। उल्टा भी ट्रू है, उसमें भी ये सेम चीज़ करवाई है, अगर आपको ई गिवन है, आपको वी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई और ई की जगह टू एक्स स्क्वायर, इस बार आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वी निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ई गिवन है, ये ई गिवन है, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कह रहा है, तो जीरो तो पता ही है, जीरो होता है इन्फिनिटी पे, तो ई पता है, तो ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेट करें, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है पोटेंशियल जीरो है, जब डिस्टेंस एक्स है पोटेंशियल वी है, सॉल्व करके आंसर, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशन का न्यूटन का लॉ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, इस बार मैंने क्या किया, एक रॉड दे दी और एक पॉइंट मास दे दिया, इस रॉड ने पॉइंट मास पे ई क्या लगाया ये कैलकुलेट करके बताओ, ई निकालना है। तो रॉड और पॉइंट मास पे न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूला नहीं चलेंगे, आप इसका स्मॉल एलिमेंट लें डीएम, इसकी दूरी पी से क्या लें एक्स लें, इस एलिमेंट की लेंथ क्या है डीएक्स। तो अब आप क्या करें, इसमें और इसमें पहले ई निकालें, ये डीएम ई क्या लगाएगा यहां पे, जी डीएम बाई एक्स स्क्वायर, डीएम की वैल्यू क्या होगी, अगर टोटल रॉड की लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, डीएक्स है तो ये रहा, तो डीएम की वैल्यू को यहां पुट करके इंटीग्रेट कर लें, कहां से कहां, रॉड का पहला एलिमेंट ये होगा जब एक्स की वैल्यू डी होगी, और आखिर एलिमेंट ये होगा जब डी प्लस एल होगी, तो डी से लेके डी प्लस एल इंटीग्रेट करें, आंसर आएगा। तो मतलब पॉइंट मास और पॉइंट मास में तो डायरेक्ट फॉर्मूला चलेगा, रॉड और पॉइंट मास में नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कटिंग वाली प्रॉब्लम है, स्फेयर में से स्फेयर काट दिया, लेकिन इससे पहले मैं आगे चलूं, मुझे याद आ गया, मैंने रोटेशनल मोशन में एक चीज नहीं करवाई आपको, वो पेपर में आती है। जैसे सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, बीच में करवा रहा हूं मैं, एक मिनट, एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, इस डिस्क में से एक और डिस्क आपने काट के फेंक दी जिसका रेडियस कितना है, r बाय 2 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बची हुई डिस्क। तो पहले जब बिल्कुल कुछ काटा नहीं हमने, I remaining will be equal to total इस axis के about निकालने, moment of inertia है कितना disc का half mr square जब axis यहाँ से pass करता है। अब मुझे moment inertia जो काट के फेंक दिया वो minus करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मुझे इसका mass निकालना पड़ेगा, mass area wise distributed है, तो अगर disc का area pi r square है तो mass m है, 1 है तो m divided by pi r square है, और अगर pi इंटू आर बाई टू का स्क्वायर है तो एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा एम बाई फोर, तो इसका मास एम बाई फोर आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस एक्सिस पे क्या होगी, हाफ इंटू एम बाई फोर इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सिस तो ये है, हमें तो अपना आंसर इस पर निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इस एक्सिस को ओ पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी आंसर आएगा। मैं कराना भूल गया था, समझ में आ रहा है, तो इसका जो आई निकालना है तो पहले इसका निकलेगा, फिर इसमें से इसे शिफ्ट करके माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब जो आपको क्वेश्चन दिया वो ऐसा दिया, एक टोटल स्फेयर है, स्फेयर में से कैविटी कर दी, आर बाई टू का स्फेयर वॉल्यूम वाइज है, ये डिस्क नहीं है स्फेयर है, निकाल के फेंक दिया। तो आपको बताना है कि अब ये बचा हुआ पोर्शन यहां पर ई क्या लगाएगा या फोर्स क्या लगाएगा, चलो फोर्स निकाल लो। अब हम लॉजिक ये लगाएंगे, पहले पूरा स्फेयर ने फोर्स क्या लगाई थी, अट्रैक्टिव, फिर कटे हुए स्फेयर ने क्या लगाई वो निकाल लेंगे, अट्रैक्टिव, फिर टोटल फोर्स में से कटे हुए स्फेयर की फोर्स को माइनस करेंगे तो बचे हुए स्फेयर की फोर्स आ जाएगी, और हमें ये निकालना है बचे हुए स्फेयर की फोर्स क्या है। तो पहले बचे हुए स्फेयर का, इस कटे हुए स्फेयर का मास निकालते हैं, तो अगर टोटल वॉल्यूम स्फेयर का 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है तो मास m है, 1 है तो इतना है, और कटे हुए स्फेयर का रेडियस r बाई 2 है तो मास m बाई 8 आ गया, तो मास m बाई 8 आ गया।
अब इसमें अगर टोटल स्फेयर है मास m और d डिस्टेंस पे, इसके d डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, तो जी एम एम बाई डी का स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो ठीक है, तो बड़े स्फेयर ने इतनी फोर्स लगाई। नेक्स्ट है कटे हुए स्फेयर, जो कटा हुआ स्फेयर है, कटे हुए स्फेयर का डिस्टेंस इस मास से कितना है, ये डिस्टेंस निकालना है। टोटल डी है यहां तक, ये आर बाई टू है, तो ये कितना बना, डी माइनस आर बाई टू, तो डी माइनस आर बाई टू। तो इसमें क्या करेंगे, तो डी माइनस आर बाई टू, तो ये एम बाई एट मास कितनी फोर्स लगाएगा, जी एम बाई एट एम, एम बाई एट इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक फोर्स आ गई टोटल, एक आ गई कटे स्क्वायर की, माइनस करके बचे हुए स्क्वायर की फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन है, पेपर में आएगा तो इजी तरीके से आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पहले पूरे स्फेयर की फोर्स निकाल लें, फिर कटे हुए स्फेयर की फोर्स निकाल लें, फिर दोनों को माइनस कर लें, बचे स्फेयर की फोर्स आ जाएगी। ई के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर ई पूछ लिया तो पहले पूरे स्फेयर का ई निकाल लें, कटे स्फेयर का ई निकाल लें, फिर माइनस करके बचे स्फेयर का ई निकाल लें। लॉजिक एक ही है, चाहे कुछ भी कर लो। शेल थ्योरम, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है, हम लोगों को ये पता है कि जो लॉ है न्यूटन का ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, पर शेल्स पे कैसे लगता है, हमने कौन सा गॉस थ्योरम की थी प्लस वन में, तो शेल्स के ऊपर कैसे करते हैं, रिजल्ट याद करेंगे। अगर एक शेल है अंदर से खाली है और कोई भी पॉइंट शेल के सेंटर से बाहर है, तो फोर्स का ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर कोई पॉइंट, अगर ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर से आर डिस्टेंस दूर ये मास है, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। शेल्स और स्फेयर के लिए अगर कोई पॉइंट शेल और स्फेयर के बाहर है, तो फोर्स का फॉर्मूला वैलिड है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा, अगर कोई पॉइंट शेल के अंदर है, तो ना तो वहां ई होता है ना वहां एफ होता है, तो फोर्स जीरो रहेगी। सॉलिड स्फेयर के अंदर अब फोर्स निकालना चाहते हैं, मान लो एक पॉइंट मास एम है, ये शेडेड पोर्शन कितनी फोर्स लगाएगा वो निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, जी इंटू शेडेड पोर्शन का मास है एम आर और पॉइंट मास है एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला लग गया। मास टोटल कितना है पूरे स्फेयर का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इस शेडेड पोर्शन का क्या है, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इन्हें डिवाइड कर लें, एम ऑफ आर की वैल्यू आ गई। इस एम ऑफ आर को यहाँ पुट करके ये फॉर्मूला नोट कर लें, जी एम एम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। अगर आप सॉलिड स्फेयर के अंदर हैं, इनसाइड हैं, तो फोर्स का ये फॉर्मूला याद रखें, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फोर्स का ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, और अगर ई निकालना हो, ई क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज नहीं, फोर्स बाय मास, इस छोटे मास को हटा दे तो ई बन जाएगा, ई में जाना फोर्स आ गई तो ई तो आ ही जाएगा, छोटे मास से, प्लेनेट के मास से नहीं, छोटे मास से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको यहां लिखा हुआ है मैंने, देखो ये सबसे पहले शेल है, शेल के बाहर ई का फॉर्मूला, शेल के सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला, शेल के अंदर ई का फॉर्मूला, ये शेल के बाहर वी का फॉर्मूला नोट कर लें, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, शेल के सरफेस के ऊपर माइनस जी एम बाई बड़ा आर, और शेल की सरफेस के अंदर वी कॉन्स्टेंट है, कितना, जितना सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है, माइनस जी एम बाई आर, सेम रहेगा, तो सरफेस पे और अंदर सेम है। तो इसका ग्राफ याद कर लें, ई का ग्राफ डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा, शेल के अंदर ई जीरो है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, शेल के अंदर वी का फॉर्मूला, शेल के अंदर वी कांस्टेंट है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये ग्राफ मार्क करने को आ जाते हैं, पर वी इसमें नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के बाहर ई का सेम फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर ई का ये फॉर्मूला, ये अभी करवाया था फोर्स का, करवाया था ई का भी लिख दिया। सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का ये फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर कैपिटल आर कर देना ये फॉर्मूला, और अंदर ये बड़ा अजीब सा फॉर्मूला तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था। और अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जाएं, सेंटर पे जाने का मतलब छोटे आर को क्या पुट करना, जीरो, तो आंसर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं इसे पूछा हुआ है क्या, कि सॉलिड स्फेयर के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जो वी होता है वो 3/2 times होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो अगर सरफेस पे वी वी है, तो सेंटर के ऊपर क्या होगा, 3/2 times वी है, ऐसे है।
ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक। और ये ग्राफ ऐसा याद रखना है वी का सॉलिड स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम तो है, वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्वाड्रेंट में सेम ही तो है। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे वी का फॉर्मूला नोट कर लें। रिंग का रेडियस अगर कैपिटल आ रहा है या स्मॉल आ रहा है तो वी का फॉर्मूला, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल।
ठीक है, तो m मास जो है सर्कल में घूम रहा है, इस बार v की जगह ओमेगा पूछ लिया, आज हमने क्वेश्चन किया था, जी एम एम बाई टू ए स्क्वायर ये फोर्स है, इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकाल लो आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम क्वेश्चन है, इस बार v निकाल दो, तो सेम क्वेश्चन में जी एम एम बाई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर से v आ गया। ठीक, अपने पेपर में आ जाए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, तो प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, कितना आंसर है आप किसका, सी कैसे आ गया, आया आंसर सी, देखो ट्रिकी है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, आ गया, हाँ डेंसिटी नहीं मास इक्वेट करके होगा, वैसे तो सेम है, तो पहले एक प्लैनेट का जो मास है वो डबल द अर्थ है, तो डेंसिटी इक्वल है, ऑब्जेक्ट वेइंग डब्ल्यू ऑन द अर्थ प्लैनेट पे क्या होगी, तो अर्थ के लिए वेट W है विच इज इक्वल टू एम जी, जी का मतलब जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर का, ये तो अर्थ की बात हो गई, उस प्लैनेट के लिए एम जी मास कितना है, ट्वाइस है, प्रॉब्लम है रेडियस में, क्योंकि उसका रेडियस तो गिवन ही नहीं क्या है, तो रेडियस सेम नहीं लेना, अब मुझे पता है जो मास ऑफ प्लैनेट है इज ट्वाइस मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट क्या है, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इंटू डेंसिटी इज 2 इंटू अर्थ के लिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसल, आर डैश की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना, फिर डिवाइड करना, आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है,
हाँ बी डेप्थ हाफ पे जाना है ना, तो डेप्थ के फॉर्मूले में डी को क्या पुट करेंगे, आर बाई टू आंसर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो गई, तो वेट भी कितना हो गया, हाफ हो गया आंसर। नेक्स्ट ए ऑप्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ क्या होगी, अगर हाइट बहुत छोटी है आर के मुकाबले तो क्या करवाया था, माइनस टू एच बाई आर। सेम नहीं है क्वेश्चन, इसका आधा कर दो 200 का आधा 100, पिछले 400 का आधा 200, इसमें 200 का आधा 100। दो सौ सरफेस पे है, नीचे क्या होगा, आधा जी चेंज होता है नीचे आते हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, रोटेशन ऑफ अर्थ शोज अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ट्रू है, अर्थ के घूमने से जी चेंज होती है, लैटिट्यूड का रिजल्ट यही था। सेकेंड द अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेट मिनिमम पोल्स पे, मिनिमम पोल पे तो रेडियस है ही नहीं घूमने का, इक्वेटर पे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल है, तो गलत है, पहली राइट है दूसरी रॉन्ग है। नेक्स्ट जी, क्या क्वेश्चन है, सी सी तो रेडियस ऑफ प्लैनेट आर और फोर आर है, डेंसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, और डेंसिटी यूज हो रही है तो एम की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसे निकाल लेना यहां से आंसर आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी और आर का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है कितना डी, सेम क्वेश्चन है, रेडियस चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, सेम फॉर्मूला, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आंसर। नेक्स्ट
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, ना डिक्रीज होती है। तो वन राइट है और टू रॉन्ग है, मार्क कर लेना। सी तो वेट कितना आंसर है? ऑल्टीट्यूड 32 हुआ है, तो आप इसमें छोटा फॉर्मूला मत यूज करना ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड का ये फॉर्मूला यूज करना, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट को पुट कर लेना 3200 और रेडियस आपको 6400 के आंसर आएगा यहाँ से। और वेट ऑफ द बॉडी 18 न्यूटन है, कहाँ पे? सरफेस पे। तो एम से मल्टीप्लाई कर लेना, तो एम जी की वैल्यू कितनी है? 18 है। नया वेट कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। नेक्स्ट आंसर है, ए आ रहा है। तो एट अ सर्टन डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4 टाइम दैट ऑफ इट्स वैल्यू एट द हाइट 3 आर। तो सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे क्या होता है? 1 माइनस डी बोला उस डी बाय आर।
इज इक्वल टू कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। हाइट काफी ज्यादा है तो जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जी आर स्क्वायर आर प्लस 3 आर का होल, यहां से सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो एक फॉर्मूला हाइट का, लेकिन लंबे वाला फॉर्मूला, बड़े वाला फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं, और एक फॉर्मूला डेप्थ का। ठीक है, आ गया आंसर। तो क्या क्वेश्चन है, ए ए तो क्या किया इसमें आपने, बॉडी का वेट डब्ल्यू है, ऊपर फेंका, हाँ, तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू 9 टाइम्स रेडियस पे क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या है, एम इंटू जी, जी एम बाई आर स्क्वायर, और हाइट पे क्या है, एम इंटू जी का बड़ा फॉर्मूला जिसमें आर प्लस आर का होल स्क्वायर यूज करते हैं। इसे अलग तरीके से किया, अपने तरीके से करो, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, एम से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर शेल प्रॉब्लम्स के बाद, जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज दैट ऑफ डेप्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो डेंसिटी की रेशियो निकालो। अब ये जो बॉडी है वो दो डेंसिटी से बनी हुई है, रो वन और रो टू। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का फॉर्मूला क्या है, जी टोटल मास बाय टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस पॉइंट पे क्या है, जी इस पोर्शन का मास दैट इज एम वन बाई आर का स्क्वायर। अब m1 की वैल्यू यहां से क्या होगी, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसकी क्या होगी, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो टू। m1 m2 यहां पुट कर दिया, m1 यहां पुट कर दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लेकिन वो कह रहा है g की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है, सेम करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड है इसमें, ठीक। जैसे ये कर लो, ये लो e का फॉर्मूला, e की वैल्यू नॉन मेडिकल के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ मेडिकल तो नहीं, नॉन मेडिकल सिर्फ।
देखो तो नॉन होमोजेनियस स्फेयर है, नॉन होमोजेनियस का मतलब डेंसिटी वेरी कर रही है, तो अगर स्फेयर का रेडियस ए बाई थ्री से कम है तो डेंसिटी डी नॉट है, ये देखो ए बाई थ्री से कम डेंसिटी डी नॉट है, और अगर ए बाई थ्री से ए के बीच में है यानी कि यहाँ से यहाँ है तो डेंसिटी डी नॉट बाई टू है, तो दो डेंसिटीज हैं। फिर से एक बार क्या निकालना है आपको, आपको ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू। अब ए बाई टू ये बनेगा, ए बाई थ्री से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा, ए बाई टू ये रहा। इस डॉटेड लाइन पे आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है, जी डॉटेड लाइन के अंदर जो मास आएगा, जो मास डॉटेड स्फेयर के अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय ए बाई टू का स्क्वायर। अब डॉटेड मास क्या आएगा, डॉटेड मास आएगा इसका मास, इसका वॉल्यूम इनटू डी नॉट, प्लस इस पोर्शन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां से सॉल्व करके एम की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो टोटल मास कैसे आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन है वो कह रहे हैं मान लो आपके पास एक बॉडी है और आप सरफेस ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस ऊपर उसे ले आए, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर है, और आर डिस्टेंस पे क्या है, माइनस जी एम एम बाई टू आर है, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों को माइनस कर दें, माइनस करके फाइनल माइनस इनिशियल, और जहाँ कैपिटल जी एम लिखे वहाँ स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर दें, आंसर आएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एस्केप वेलोसिटी जो है जिससे कि बॉडी एस्केप हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ फाइंड द हाइट कवर्ड। किसी भी बॉडी को सर्फेस ऑफ अर्थ से वी वेलोसिटी से फेंकेंगे और हाइट निकालनी है एनर्जी कंजर्वेशन, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहाँ पर सेम काइनेटिक की वैल्यू यहाँ पर हाफ एम इंटू 3/4 इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर, यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और काइनेटिक का क्या, जीरो। तो एस्केप हम का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, बस ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सैटेलाइट एंड प्लानिटरी मोशन के अंदर अगर एक सैटेलाइट वी वेलोसिटी से एच हाइट पे घूम रही है, सरफेस से एच हाइट है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, ग्रेविटेशन की फोर्स, इक्वेट करके जो वेलोसिटी आएगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, कई बार आपकी बुक्स में ऐसे गिवन होता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस छोटा आर गिवन होता है, तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला जी एम बाई छोटा आर हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस एच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे आर में। ठीक है यहाँ तक, तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा भी कर सकते हो, कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, लेकिन कई बार ज़्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि सेटेलाइट सर्फेस ऑफ अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, तो एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो पुट करेंगे दोनों में, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट, टाइम पीरियड सेटेलाइट का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द सेटेलाइट बाय वेलोसिटी, कौन सी, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को सीधा करके लिखो, ये फॉर्मूला आर प्लस एच अंदर गया तो ये फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, लेकिन अगर एच बहुत नजदीक है, सेटेलाइट बहुत नजदीक है एच को, जीरो पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला, और कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब सेटेलाइट काफी नजदीक है अर्थ की सरफेस से। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ सेटेलाइट, हाइट में कुछ नहीं है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, स्क्वेयरिंग करो, यहाँ से हाइट आ जाएगी, ये तो क्वेश्चन आता नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट, जब सेटेलाइट घूम रही है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक,
तो एच हाइट पर पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम ए बाई आर प्लस एच, काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी क्या है ऑर्बिटल, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है, नहीं आप ऐसे लिखेंगे सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, पहला फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी है ये रहा जी एम एम बाई टू आर प्लस एच, और टोटल एनर्जी है माइनस जी एम एम टू आर प्लस एच। ये तीन फॉर्मूलाज लिख लें, साफ पता लग रहा है टोटल और काइनेटिक में क्या रिलेशन है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी को टू से डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगी, टू का फैक्टर एक्स्ट्रा इसमें। जैसे हमने उसमें नहीं किया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सेम रिजल्ट इसमें भी लगता है, आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट कर लें, अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, ऑर्बिटल होती है जी एम बाई आर, एस्केप होती है टू जी एम बाई आर। केपलर का थर्ड लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नेक्स्ट है जब हम रोटेशनल मोशन करते थे ना तो एक ना टॉपिक आता था प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट, प्रूफ था। तो वो ऐसे करते थे, एरियल वेलोसिटी होती थी डी ए बाई डी टी, जिसकी डेरिवेशन आती थी एल बाई टू एम। लिख लें एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी इज एल बाई टू एम, वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम, और क्योंकि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो डी ए बाई डी टी भी कॉन्स्टेंट है। मेन्स वालों ने क्वेश्चन दिया है डी ए बाई डी टी की वैल्यू करेक्ट मार्क करो, जिसने डेरिवेशन याद कर रखी है एल बाई टू एम आंसर है। कौन करेगा प्लस वन की डेरिवेशन, ठीक है तो एल बाई टू एम याद रखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन ना कैपलर लॉ पे दे दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि जैसे ये एक फिगर ना एलिप्स के अंदर एक प्लैनेट घूम रहा है, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए ट्राइंगल का एरिया 1/4 है एलिप्स से, तो आपको क्या निकालना है इसमें, तो टी वन टाइम टेकन टू कवर एरिया ए बी सी, ए बी सी कट और सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, सन से, तो ए बी सी का एरिया कवर्ड स्वेप्ट क्या होगा, ये होगा, ये जो एरिया है ये कवर करने में टाइम टी वन है और ये एरिया को कवर करने में टाइम टी टू है, आपको रेशियो निकालनी है टी वन टी टू की। तो कैपलर लॉ क्या कहता है, डी ए बाई डी टी तो कॉन्स्टेंट है, तो कैपलर लॉ क्या कहता है कि जो टाइम टेकन है वो क्या होगा इसमें एरिया, कैपलर का सेकेंड लॉ डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है ना, तो डी ए प्रपोर्शनल टू डी टी है, तो टाइम टेकन प्रपोर्शनल टू एरिया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ का जो एरिया ये वाला एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ का आधा एरिया एलिप्स का आधा एरिया ए बाई टू और ये वाला एरिया कितना गिवन है 1/4 यानी कि ए बाई फोर, ये रहा टोटल एरिया, और ये वाला एरिया क्या होगा ए बाई टू माइनस ए बाई फोर, आंसर, तो ऐसे आंसर निकालना है इसका। ठीक, नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट नहीं, आप करो ये करो, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज गिवन, तो आर वन गिवन है, डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट्स की वैल्यू निकालनी है और टाइम पीरियड 2.83 है, तो अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर है और प्लैनेट का इतना, तो लगेगा क्या केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर वन क्यूब, तो टी वन बाई टी टू स्क्वायर आर वन बाई आर क्यूब आर टू क्यूब, टी वन अर्थ का क्या है 1 ईयर और टी टू क्या प्लैनेट का इतना है, आर वन पता है और आर टू निकालना है, तो क्या आंसर होगा, ये सॉल्व कैसे किया तुमने, इसे सॉल्व कैसे किया पूरे को, 3/2 कैसे सॉल्व किया, 3/2 इसे कैसे सॉल्व, 1.283 को सॉल्व कैसे किया, 2√2 है, 2.83 इज 2√2, अब कर लो सॉल्व, है 2√2 है नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है,
फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ना गलत है ये बात, तो ये सही है गलत। सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, ना टुवर्ड्स सन है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, बिल्कुल ठीक, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो ए और डी सही है। बिल्कुल सही, 3/2 भी आज किया तो सेंटर ऑफ अर्थ पे 3/2 टाइम हो जाता है पोटेंशियल। सी देखो इसमें क्या किया आपने, एनर्जी कंजर्वेशन, आपने आर डिस्टेंस से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, पोटेंशियल क्या है -gmm/2r, काइनेटिक क्या है जीरो। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी पोटेंशियल -gmm/r और काइनेटिक क्या है ½mv² इक्वेट कर लो, छोटा m कैंसिल, कैपिटल जी एम की जगह पुट कर लेना small gr² आंसर आ जाएगा, √gr है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे रेडियस आर है, आप कहाँ पे ले गए, हाइट एच इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, तो यहाँ पोटेंशियल क्या है -gmm/r है, यहाँ पर क्या है -gmm/3r है, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें माइनस, क्या आंसर आ रहा है ए आ रहा है। समझा नहीं कैसे, क्यों mgh लगता नहीं ग्रेविटेशन में, स्मॉल जी तो चेंज होता है ना, वो तो कभी लगता ही नहीं है, आप चेक करो आज के पूरे लेक्चर में काइनेमेटिक्स लगा ही नहीं मैंने, mgh बोला ही नहीं कभी, क्योंकि स्मॉल जी चेंज हो जाता है, लगता ही नहीं, तो छोटी हाइट पे लगता है, लगाना ही नहीं है, ये तो खास बात है इसकी। आंसर भाई नहीं आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है सी। देखो ये एनर्जी फाइनल है, माइनस माइनस इनिशियल है, सिंप्लीफाई करके 2/3 और ही गया 2/3, फिर रह गया, माइनस माइनस प्लस नहीं किया लगता आपने। ठीक, नेक्स्ट आंसर इंटीग्रेट करेंगे, ई गिवन है, वी निकालना है, ई इज -dv/dr, द्वारा करो ए।
कितना आंसर है? ओके, कितने लोगों का 10 आंसर है? ए आंसर है भाई। पता है क्या चक्कर है? लॉजिक ये है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लग गया ये रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, ठीक है। उसने कहा कि जो डिस्टेंस की लिमिट है वो क्या है, 2 से 3 है, ठीक है। तो डिस्टेंस की लिमिट 2 से 3 लगा दी, और यहाँ जो लिमिट v2 से v3 लगा दी, तो v2 माइनस v3 आ गया। अब प्रॉब्लम है कि v2 तो पता है 10, v3 निकालने तो 1 ऐड होगा इसमें। ये ट्रिक है, पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस से निकालना। तुमने पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन है, रूट जी आर वेलोसिटी सेम। नेक्स्ट, वैसे इस चैप्टर का है नहीं, है प्रोजेक्टर का क्वेश्चन है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको गिवन है √3/2u। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √3/2u, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा आ गया। आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, अर्थ हैज एटमोस्फेयर वेयर एज मून डजंट हैज एटमोस्फेयर, क्या यस कि नो? यस, यस, ठीक है, राइट राइट, ठीक। एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, सही है, तभी तो एटमोसफेयर नहीं होता। तो दोनों करेक्ट हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आंसर, ठीक, इजी है। इस क्वेश्चन पे आओ जरा एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन आता है बहुत, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की जगह आर की पावर एन है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर की जगह आर की पावर एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आंसर देना है कि जो कोई चीज़ घूमेगी तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड्स ग्रेविटेशनल, तो आर स्क्वायर की जगह आर की पावर एन आएगी। उसी तरीके से टाइम पीरियड क्या होगा, सेंटीपिटल फोर जी एम एम बाई आर की पावर एन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है 2π/T, यहाँ से टाइम पीरियड आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें, कोई डाउट इसमें, प्रैक्टिस करो और 2 टेस्ट की तैयारी करके आओ।